नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम बात करेंगे हम संविधान पर चर्चा को लेकर। केंद्र सरकार के निर्देश पर राजस्थान विधानसभा में भी दो दिन तक संविधान को लेकर चर्चा हुई और सभी विधायकों ने अपनी अपनी राय रखी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक दूसरे पर संविधान के हनन का भी आरोप लगाया और कहा कि संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि आपातकाल के समय संविधान खतरे में था और संविधान को ताक पर रख दिया गया, नियमों की अवहेलना की गई। वहीं कांग्रेस पार्टी में भी मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी और भारतीय जनता पार्टी और मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा कहकर उन्होंने बार बार ये कहने का प्रयास किया कि मोदी के राज में संविधान को लेकर खासा लोगों में डर है, भय है, और ये डर इस बात को लेकर है कि न जाने कब संविधान में संशोधन हो जाए, कब मनुस्मृति लागू हो जाए। तमाम बातों पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हुए, लेकिन अच्छी बातें हुई। संविधान को लेकर ये भी कहा गया कि संविधान नहीं, संविधान है तो लोकतंत्र है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसने आम आवाम को समान अधिकार दिया, चाहे वो चुनाव लड़ने का अधिकार हो, चाहे नौकरी करने का अधिकार हो, या रंग लिंग और जाति और धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। तमाम बातों पर वहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। इन्हीं बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ एवन टीवी स्टूडियो में जुड़ रहे हैं पूनम चंद भंडारी जी, एडवोकेट हैं राजस्थान हाईकोर्ट में। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी। पूनम जी, किस तरह से देखते हैं, हालांकि बहस जो है, चर्चा जो है, बहुत ही शानदार विषय पर रखी गई, संविधान जो आपके और हमारे सबके लिए सम्माननीय है, आदर्श आदर्श है और सबके लिए सर्वोपरि ग्रंथ है, एक तरह से वो सामाजिक दस्तावेज भी है, वो हमारा भारत का दस्तावेज भी है और तमाम दस्तावेजों के ऊपर है, यानी संविधान में लिखी हुई बातों का पालन करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य भी है। देखिए नीरज जी, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो इसमें सभी जाति के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया था। ऐसा नहीं है कोई एक विशेष वर्ग ने कहा इसमें आज़ाद कराने में सहयोग किया हो। तो जब सब धर्म, चाहे सिख हों, मुसलमान हों, हिंदू हों, पारसी, जो भी जितने भी लोग थे, सब ने देश में लड़ाई लड़ी और देश आज़ाद हुआ। तो जब लड़ाई लड़ी जा रही थी और देश आज़ादी भी था तो ये था कि देश को चलाए कैसे जाए, उसके लिए कुछ नियम बनाए। हम साधारण व्यक्ति से बात करें तो संविधान क्या है कि सब ने मिल करके नियम बनाए, इन नियम के आधार पर अपन चलेंगे और ये नियम सब पर बाधित होंगे, उसको अपन संविधान कह रहे हैं। जिसमें धर्म के आधार पे हो वगैरह, सबको बराबर समानता का अधिकार, छोटा बड़ा कुछ नहीं, राजा रंग कुछ नहीं, सबको बराबर का अधिकार और हर एक आदमी के वोट की कीमत, वो वोट देकर अपने मन चाहे व्यक्ति को चुन सकता है, ये सारे संविधान रखे गए थे। इसलिए एक बार संविधान में जब ये कई बार अमेंडमेंट वगैरह होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस टाइम कि संविधान के स्ट्रक्चर को, यानी इसकी आत्मा, उसको हम बदलने देंगे, बाकी तो आप कर सकते हो, इसका स्ट्रक्चर नहीं बदलने देंगे। और ये देश 70 साल से, 72 साल से चल रहा है, ये हर जाति का व्यक्ति बड़े आराम से रह रहा है, वो संविधान के कारण से ही है। तो संविधान में सारे प्रावधान किए गए हैं, प्रॉपर्टी आप रख सकते हो, स्वतंत्र कहीं घूम सकते हो, आ जा सकते हो, अपने व्यापार कर सकते हो, उसमें किसी ये नहीं है कि जाति के आधार पर या किसी और के आधार पर। लेकिन और ऐसी व्यवस्था की गई, मैं कह रहा हूँ कि इतना बढ़िया संविधान वर्ल्ड में किसी का नहीं है। और जैसे जुडिशरी है, इसको अलग रखा, इंडिपेंडेंट रखा गया था, CBI है, ऐसी संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन वगैरह है, इनको अलग से पावर दी गई थी, कर सकते हो, ताकि किसी पर कोई दबाव ना हो। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे राजनेताओं ने इसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। देखिए, राज्यपाल के लिए भावनाएं रखी गई थी, पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होता तो किसी पार्टी को मदद नहीं करता, पर इन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए ऐसे उच्च सदन बनाया गया, राज्यसभा बनाई गई। राज्यसभा किसे बनाई गई कि बहुत से इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, बुद्धिमान लोग जो हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं या चुनाव लड़कर जीत के नहीं आ सकते हैं, इससे प्रावधान किया गया कि ऐसे लोगों को राज्यसभा में लाया जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है, ऐसे लोगों को राज्यसभा में लाया जा रहा है, पार्टी के जो लोग हैं उनको लाया जा रहा है। तो संविधान की तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, ये नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, आपने सही कहा, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, यही शायद चिंता का विषय था और इस चिंता के विषय पर विधायकों ने अपने अपनी राय रखी। कुछ विधायकों का यहाँ तक आरोप था कि संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है उचित नहीं है और संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ भी उचित नहीं है, संविधान की आत्मा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि संविधान की वजह से ही अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये संविधान ही है जिसकी बदौलत मेरे जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है। रामनाथ कोविंद हो, के आर नारायणन हो, तमाम लोग वे हैं जो आम आदमी से, APJ अब्दुल कलाम हो, आम आदमी से खास आदमी बने और वो संविधान की ताकत ही थी जो जिसने देश का PM और राष्ट्रपति तक
ऐसे पदों पर इन लोगों को पहुंचाया, और संविधान की बदौलत ही है कि आप और हम तमाम लोग अपनी अपनी बात रखने की आज़ादी है, हमको अपनी बात रखते हैं और तमाम अपने अपने आधार पर अपने अपने मत के आधार पर वोट देते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है आवश्यकता इसको अक्षुण बनाए रखने की है, और ये जिम्मेदारी हम सब की है। 130 करोड़ भारतीय जनागरिक है, उनकी है, न केवल सिर्फ राजनेताओं की। ऐसा भी कहा गया, राजनेताओं ने कहा कि ये जिम्मेदारी केवल हमारी नहीं है बल्कि 130 करोड़ भारतीयों की है। लेकिन मुझे लगता है ये उन नेताओं की ज़्यादा बनती है जो कानून बनाकर समय समय पर इसमें बदलाव करते हैं और मूल जो उसकी आत्मा है उससे छेड़छाड़ करते हैं। क्यों भंडारी जी? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। संविधान जो बनाया गया था किसे बनाया गया था? कार्यपालिका अलग है, वो काम करेगी। न्यायपालिका बनाई गई अपना काम करेगी, ये अपना काम करेगी। तो इस और व्यवस्थापिका वही, तो सारे अपना काम करेंगे ये। और न्यायपालिका वो इंडिपेंडेंट इसलिए गया था किसी के अधिकार का हनन हो तो जा सकता है, वरना तो राजा जो करता था उसके बाद कोई बोलना नहीं था। आज एक गरीब से गरीब व्यक्ति अगर आईएएस बन सकता है वो इससे बन रहा है आज, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान लागू है, समानता का अधिकार है। आज आप न्यूज़ चैनल पर बैठ करके आप राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कशन करते हो, उनकी आलोचना भी कर सकते हो, क्योंकि आपको अधिकार मिला हुआ है। लेकिन जो ये जो नेता कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, नेता कौन है? ये हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने जनता ने उनको चुन करके भेजा है, तो जिम्मेदारी उनकी है कि संविधान के अनुरूप वो काम करें। आज कई बार देखें आप राष्ट्रपति ऊपर आरोप लग रहे हैं, कभी राज्यपाल पर आरोप लगे हैं, पहले भी लगते रहे थे। क्यों लगते रहे थे? क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी से बनाए जाते हैं। अगर इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा कोई व्यक्ति तो वो फिर बात के अंदर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर के ही काम करेगा। तो जो गरिमा गिर रही है ये राजनेताओं की जिम्मेदारी है कि वो इनको बिल्कुल भंडारी जी आपने सही कहा, जो गरिमा गिर रही है वो राजनेताओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि राजनेता जनता के प्रतिनिधि है और उनकी जिम्मेदारी सर्वाधिक बनती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बार बार सदन में कहना पड़ा कि मोदी है तो मुमकिन है, और उन्होंने तमाम उदाहरण दिए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया ने कहा कि आपातकाल के लिए कांग्रेस दोषी है, और जो संविधान जो है उन्होंने ताक पर रखा, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, तो कहीं ना कहीं नेताओं ने एक दूसरे पर छींटा कसी भी करी। लेकिन इसके बावजूद आज भी हम सब के लिए संविधान सबसे सर्वोपरि है। भंडारी जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। 75 में इंदिरा गांधी ने अबॉलिशन लगाई थी, क्यों लगाई थी ये सब जानते हैं उस वक्त, वो अपने बेनिफिट की लगाई थी। लेकिन आज मोदी जी क्या कर रहे हैं, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 6 साल में जितनी संविधान की दुर्गति हो रही है इतनी पहले कभी नहीं हुई। कांग्रेस भी करती थी लेकिन इतना नहीं करते, जिस तरह संस्थाओं का दुरुपयोग इस वक्त किया जा रहा है। CBI के इंडिपेंडेंट NGO तोता बना हुआ है, और हम खुद देख रहे हैं जिस पे चाहे छापे पड़ते हैं जिस पे चाहे नहीं पड़ते हैं। ED का दुरुपयोग हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग हो रहा है, CAG का दुरुपयोग हो रहा है। फिर भी चूंकि संविधान में हमको अधिकार मिले हुए, कर्तव्य मिले हुए, इसके कारण से हम जिंदा हैं। अब थोड़ी जुडिशियरी पर भी काफ़ी इन लोगों का, इसको भी काफ़ी इंटरफेयर करते जा रहे हैं, करना कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कर दिया उस टाइम जब इन्होंने कहा था कि जजेज के अपॉइंटमेंट में भी इनका सरकार का हाथ रहेगा, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप डाउन कर दिया। इससे आज जिंदा हैं, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट जिंदा है, पर फिर भी जुडिशियरी को भी ये लोग दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का एक कर्तव्य है कि जब हमारा अधिकार के हम अच्छे लोगों चुन के भेजें, हम जातिवाद के आधार पर या वर्ग के आधार पर या धर्म के आधार पर वोट देते हैं उसको हम भुगत रहे हैं। यदि हम ईमानदारी से ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो रियली में अच्छा हो, ईमानदार हो, जाति पाधार ना हो, तो ये लोग सही रहेंगे। जब भेजेंगे चुन करके अनपढ़ लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गुंडे लोग चुन के भेजेंगे सिर्फ इसलिए कि वो मेरी पार्टी हैं, भाजपा वाले कहता है मेरी पार्टी हैं, कांग्रेस वाले से वोट दे रहे कांग्रेस के हैं, सपा कह रहे हैं सपा के इसलिए हैं। सर, जनता को चाहिए इस संविधान की रक्षा, जनता संविधान की जो ये रक्षा जनता की कर रही है, जनता को संविधान की रक्षा करनी है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना है जैसे अभी हरियाणा में सिखाया, जो बाहर से आ रहा है दूसरी पार्टी से आया, इस जो है फायदे ज्वाइन कर लिया, उसको आप हराइए। आप हराएंगे तो संविधान जिंदा रहेगा। दुरुपयोग कर रहे हैं इसका विरोध कीजिए, हम सब मिलकर विरोध करेंगे तो सही हो सकता है, अदरवाइज तो धीरे धीरे संविधान को ये लाचार करते जा रहे हैं और ये हमारे देश के लिए घातक होता जा रहा है। जुडिशियरी पर भी मैं देख रहा हूँ दबाव आ रहा है, ये आज संविधान है इसलिए हम जनहित याचिका लगा करके सरकार को घेर लेते हैं। अगर संविधान ना होता तो हम नहीं घेर सकते थे। मैंने हाईकोर्ट जज के खिलाफ भी कंटेंट पेश किया है, ये हिम्मत किसने दी है? संविधान ने ताकत दी है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। संविधान कमजोर हो रहा है कुछ सालों से, संविधान को सरकारों ने अपने अपने हिसाब से काम में लिया, इसलिए कि जब जनता मेजोरिटी ज़्यादा देती है तो उसका दुरुपयोग करते हैं, मनमान तरीके से उसका अमेंडमेंट भी करते हैं। अगर आप देखेंगे मोदी जी के राज के अंदर
पीसी एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के एक्ट के अंदर 17 ए अमेंडमेंट किया गया, यानी कोई भी अधिकारी, सरकारी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जांच शुरू नहीं होगी जब तक सरकार उसको परमिशन नहीं देगी और 90 दिन का पीरियड दिया गया है। तो इस प्रकार के अमेंडमेंट ये करके और अपने रिवेंज दे करके संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अब तो जनता के ऊपर ये है कि जनता ऐसे लोगों को चुन के भेजे, अपने पार्टी से अलग हटके, जाति से अलग हटके, धर्म से अलग हट करके अच्छे लोगों को दोगे तभी संविधान की रक्षा जा सकती है, वरना धीरे धीरे जो पार्टी आ रही दुरुपयोग कर रही है। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ, दुरुपयोग किया गया, पहले कांग्रेस दुरुपयोग किया था, जहां जैसी सरकार की आई, इंदिरा गांधी सरकार आई, 80 के अंदर वापस दोबारा राज्यपालों के अपना दुरुपयोग किया गया और जो जो विधानसभाएं थी उनको भंग कर दिया गया। ये अभी यही कांग्रेस दूध की धुली भी कोई सी पार्टियां नहीं है, सभी पार्टियों ने सत्ता का दुरुपयोग किया और संविधान को अपनी मनमर्जी से चलाने की कोशिश की। मैं इसलिए कह रहा हूं जुडिशियल इंडिपेंडेंस हम चल रहे हैं, वह अगर जुडिशियल इंडिपेंडेंट नहीं होती ना तो आपको मालूम पड़ता कि संविधान की पूरी धज्जियां उड़ जाती। तो जुडिशियरी कारण से आज कोई व्यक्ति आपको अरेस्ट करता है, आप हाईकोर्ट जा सकते हो, हैबियस कॉर्पस लगा सकते हैं। अभी भी हमारा संविधान मजबूत है, इसकी आत्मा मजबूत है, इसका स्ट्रक्चर अभी खराब नहीं हुआ है, क्योंकि संविधान में जजमेंट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही कि इसके स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं करोगे इससे नेता लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, वरना तो संविधान की धज्जियां पूरी उड़ जाती है। तो स्ट्रक्चर के अंदर छेड़छाड़ नहीं करती, जो अमेंडमेंट किया रहे हैं वो इतने ऐसे अमेंडमेंट नहीं है जो घातक हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ जनता के ऊपर जिम्मेदारी जाता है, सामाजिक नेता उन पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, वो लोगों को टीच करें। आज देखिए आज SC ST वगैरह इनको इनको जब आरक्षण का लाभ दिया गया तभी तो ऊपर उठ गए, लेकिन वाकई कोई नेता चाहता नहीं है कि ये आगे बढ़ें। अगर आगे बढ़ने के चाहते तो सब आगे बढ़ जाते, लेकिन सिर्फ वोट बैंक का उपयोग किया जा रहा है। और संविधान में चूँकि 2/3 मेजोरिटी के हो तो ही दल बदल हो सकता है, उसका भी दुरुपयोग करते हैं ये, MLA खरीदे जा रहे हैं, क्या दुर्भाग्य इस देश का। यानी MLA को प्रोटेक्शन दिया रहा है, होटल में रखा जाता है, जिनको हमने प्रतिनिधि बनाकर भेजा है कि जो बिल्कुल निडर होकर काम करेंगे, उनसे इन लोगों को डर लग रहा है। तो ये तो संविधान ना होता तो ऐसी खरीद फरोख तो होती कि आपको पता नहीं पड़ता क्या हो रहा है। तो इसलिए इस देश संविधान ने स्वतंत्रता का अधिकार दिया, हमारे को बराबरी का अधिकार दिया। आपको लगता है संविधान ने जो अधिकार दिए, जो कर्तव्य दिए, उनका पूरी तरह निर्वहन हो रहा है, पूरी तरह लागू हो चुके हैं? जो व्यवस्थाएं थी हिंदुस्तान में, हालांकि वैसी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती है लेकिन आमतौर पर देखा गया है, आए दिन हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कहीं दलित को घोड़ी से उतार दिया जाता है, कहीं आदिवासियों को जमीन से बेदखल कर दिया जाता है, जबकि संविधान ने उनको अधिकार दिया समानता का। आपने कहा आरक्षण से लोगों को नौकरियाँ जरूर मिली है, लेकिन तमाम इसके बावजूद भी इसका जो है आम आवाम, जैसा कि आपने खुद ने कहा, उसी वर्ग के उन गरीब पिछड़ों को लाभ नहीं मिला जिनको मिलना चाहिए था। आपको लगता है कहीं ना कहीं दुरुपयोग वहाँ भी हो रहा है? संविधान का दुरुपयोग तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, नेता लोग हैं वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। वरना किसी हिम्मत तक एक आदमी घोड़ी से बैठा हुआ उस आदमी को उतार सकते हो क्या? आप ये फिर भी कानून बना हुआ है, मुकद्दर होते हैं, लेकिन जनता को संगठित होना पड़ेगा, संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। हम सब बराबर के हैं, सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सब एक दूसरे के सहयोगी हैं और कितने प्रेम से रहते थे। लेकिन इन नेताओं ने वोट बैंक बनाने के लिए, अपने फायदे देखने के लिए जो जनता को डिवाइड कर रहे हैं, जनता को समझना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर मजबूत है, ये संविधान मजबूत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ कर सकते हैं ये, लेकिन अगर हमारी जनता जागरूक हो जाए, जितना आपने इस अच्छे विषय पे जो आपने डिबेट रखी है, A1 TV का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने इतने बढ़िया विषय पे, ताकि लोगों को जानकारी हो सके, लोग समझ सकें इस बात को, इस प्रकार के काम कर जो आप कर रहे हैं। मैं तो कई बार देखता हूँ A1 TV की हिम्मत दिखाता है, कभी भ्रष्टाचार पर, कभी मिलावट पर आप बहस करते हैं, इस तरह की बहसें मैंने देखा है National TV पर कभी नहीं होती। आप देखिए कभी हुआ क्या मिलावटी पर आपने बुलाया था और जबरदस्त बहस भी की थी, जनता को मालूम पड़े किस प्रकार दुरुपयोग किया रहा है, ये लगातार कार्यवाही भी हो रही है, उसका फर्क पड़ता है। देखिए जब मैं कहता हूँ मीडिया चौथा स्तंभ है, मीडिया पर भी बहुत, मीडिया और जुडिशरी, इन दो की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हुई है, ये इंडिपेंडेंट करें। लेकिन हम देख रहे हैं नेशनल मीडिया में बहुत गिरावट आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे लोग हैं जिसके कारण ये मीडिया चल रहा है और देश भी चल रहा है, और जुडिशरी में बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जुडिशरी में गिरावट लगातार आ रही है। ये चिंता का विषय हो गया है, ये सोचने का विषय हो गया है कि इनके ऊपर भी जिम्मेदारी जैसी हो
कि जुडिशरी पूरी ईमानदार है, जनता को आगे आना होगा, जुडिशरी में कहीं भ्रष्टाचार हो उसका विरोध करना है, बाकी तो सब बिल्कुल। भंडारी जी आपने कहा जुडिशरी पर दबाव नहीं हो, मीडिया दबाव में नहीं आए और ये स्वतंत्र रूप से अच्छी तरह से काम कर सके, जनता की आवाज़ बन सके, जनता को न्याय दिलाने का काम मीडिया कर माध्यम बने और जुडिशरी न्याय उनको दे, इसके लिए भी सबको पहल करनी पड़ेगी, जनता को आगे आना होगा और जो संस्थाएं इनको दबाव में लाने का प्रयास कर रही है, जो सरकारें, उनसे भी थोड़ा सावचेत होने की जरूरत है। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी संविधान को लेकर, हालांकि ये चर्चा कम और अपने अपनी पार्टी के सरकारों के द्वारा किए गए कार्यों की फहरिस्त रखने का भी सिलसिला उस दौरान सदन में देखने को मिला। सभी ने अपनी अपनी पार्टी की सरकारों की वो तमाम बातें सदन में रखने की कोशिश की कि हमारी पार्टी की सरकार ने ऐसा किया वैसा किया, तमाम बातें रखी गई, लेकिन कुछ जो दूसरे विधायक थे उन्होंने ये भी कहा कि क्या हम अपने सीने पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि जो संविधान में लिखा था उन तमाम बातों पर हम खरा उतरें। भंडारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या वाकई में, क्योंकि आप भी लंबा अनुभव रखते हैं, बहुत लोगों को, पीड़ितों को न्याय दिलाने का आपने काम किया, क्या वाकई में जो संविधान की हमारी मूल आत्मा है वो वाकई में 100% उसको लागू हो गई, या अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो लागू होना बाकी है, या राजनीतिक पार्टियों, जैसे आपने कहा जाति के आधार पर वोट देते हैं, जब जाति के आधार पर टिकट मिलते हैं तो वोट भी देगी जनता, जो जाति और टिकट और ये वोट, क्योंकि सबको सरकार बनानी होती है, पार्टी चलानी होती है, तो कहीं ना कहीं फिर ये इस तरह के समझौते उनको करने पड़ते हैं और वो तमाम पार्टियां कर रही है, उसमें कोई एक पार्टी दूसरी नहीं है, तमाम पार्टियों की फहरिस्त ऐसी है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भी राजनीतिक पार्टियां बन गई, तो ये भी बहुत बुरी बात है। देखिए, संविधान में पार्टी का तो प्रोविजन है ही नहीं, कहीं प्रोविजन नहीं है पार्टी का, अब इन्होंने पार्टियाँ बना ली है, भाई इनका क्या ऑब्जेक्ट हो गया? अब देखिए, पहले क्या था, राजनीति में कौन लोग आते थे, जिनको देश की सेवा करनी होती थी, जनता की सेवा करनी होती थी, वो लोग आते थे और इसलिए संविधान के अनुरूप वो काम भी करते थे। अब क्या हो गया, ये अब सेवा करने को ही नहीं आता, अब तो राजनीति को एक बिजनेस समझ लिया गया है, कैसे न कैसे पैसे दे के टिकट लाऊँ, पैसे खर्च कर जीत लूँ और जीतने के बाद फिर पैसा वापस मैं कमाऊँ, ये बात ये उद्देश्य रह गया। ये तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि संविधान का स्ट्रक्चर मजबूत है, जजमेंट्स प्रकार के हैं, इससे ये खिलवाड़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो सिद्धांत के आधार पे और संविधान के अनुरूप काम करने वाली हो, एक भी पार्टी नहीं है। अगर संविधान के अनुरूप काम करते हुए होते तो देश कहाँ पहुँचता? धारा 343 वो क्या है, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाया जाएगा, जब संविधान बना था तो 343 में प्रोविजन ये था कि चूंकि अब देश आज़ाद हुआ है तो 15 साल तक तो अंग्रेजी चले चलने दो, धीरे धीरे हिंदी को बढ़ाया जाएगा और कमेटी वगैरह बनाई गई थी और आगे बढ़ाया जाएगा। आज हिंदी भाषा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जनता को परवाह नहीं है, अंग्रेजी कानून बने, आज कानून बनता है अंग्रेजी में, ऑफिस की ट्रांसलेशन होते हैं हिंदी के अंदर। मुझे आप बताइए कितने लोग विधानसभा बैठे हुए या लोकसभा बैठे हुए लोग अंग्रेजी जानते हैं? उनको पता ही नहीं है। ये जो कई बार इस तरह के संशोधन होते हैं वो इसीलिए होते हैं, इन लोगों को पता ही होता है, स्टडी करते ही नहीं है। और जनता सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जनता की दिक्कत ये आ रही है कि वो जो वोट देते हैं जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट देते हैं, इनको बदलना जरूरी है। सामाजिक संस्थाओं के आगे आके इनको एजुकेट करना पड़ेगा, बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, देश के बारे में सोचो, अगर देश मजबूत रहेगा तो हम सब मजबूत रहेंगे, कोई सोचेगा कि दिक्कत नहीं है। जाती है जो सामाजिक संगठनों की बात कर रहे हैं वो तो खुद टिकट के दावेदार हो जाते हैं, वो तो जाति के आधार पर अपने अपने समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की बात करते हैं, फिर उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? अब देखिए, आज अमेरिका में देख लो, इंग्लैंड देखो, वहाँ सभी जाति लोग रहते हैं, कभी आपने सुनेगा दंगे हो गए वहाँ पर, हिंदू मुसलमान सब रहते हैं वहाँ पर, ये उनकी जाति लोग रहते हैं, कितने लोग हैं, लेकिन चूंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। हमारे यहाँ क्या किया नेताओं ने, कानून को कमजोर, कानून को और ऑर्डर को कमजोर करने की कोशिश करी है। आज हर MLA चाहता है मेरे इलाके में वो SHO लगे जो मैं कहूँ जैसे करे। बिल्कुल भंडारी जी, आपने सही कहा, हर नेता चाहता है उसके इलाके में वो SHO लगे, वो पुलिस वाला लगे, वो कलेक्टर लगे, जिसे वो चाहता है, जिसकी बात वो माने सामने वाला, और यही हो रहा है। मुद्दा क्रम में आप पधारे, आपने अपनी बात रखी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे PC भंडारी जी, जिन्होंने साफ कहा कि कहीं ना कहीं नेताओं ने संविधान की मूल धारा को बदलने का प्रयास किया, जब जब जिस पार्टी की सरकार सत्ता में आती है वह पार्टी अपने अनुसार संविधान में बदलाव की कोशिश करती है, हालांकि हमारा मूलभूत ढांचा जो है बहुत मजबूत है, इस तरह की आर्टिकल है कि उनमें बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी समाज को जागरूक होना पड़ेगा, आम आवाम को जागरूक होना पड़ेगा, ताकि संविधान की आत्मा बची रह सके और जो
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, संविधान को संपूर्ण रूप से लागू करने की बात कही थी, हिंदी की बात कही थी। आज भी हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं बन सकी, जबकि संविधान में लिखा था कि हिंदी को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा, 343 आर्टिकल में साफ लिखा था। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो आज तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, उन बातों को लागू करने की आवश्यकता है। मुद्दा अगर मैं आज के लिए इतना ही, ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।